लाल रंग का हाथी, लाल रंग का हाथी जो है हमारे को नेम फेम रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। हाथी के अंदर ना पावर होती है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ होती है, मतलब इट्स इट्स ए पावर एलिमेंट। ठीक, तो वो नेम फेम रिकॉग्निशन एक पावर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक, इट्स हाथी की अपनी एक एट्रीब्यूट है कि हाथी जो है, एक हाथी एक ऐसा जानवर है जिससे शेर भी थोड़ा डिस्टेंस बना के चलता है, बाकी शेर किसी डिस्टेंस नहीं बनाता है हाथी के अलावा। तो हाथी जहां पे होता है वहां पे कोई और नहीं आता, इसलिए हाथी की अपनी एक आइडेंटिटी है और उसमें एक पावर है। हाथी वैसे तो राहु को रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो हाथी जो है राहु को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हाथी के अंदर जो पावर है वो उसकी जो मंगल के साथ जब कनेक्ट करती है, तो मंगल के साथ एक चीज ध्यान रखें, जिसकी पत्री में अंगारक योग ऑलरेडी होगा वो कभी जिंदगी में ये अजा भी नहीं रहा करे। जिसकी पत्री में अंगारक योग हो वो, क्योंकि मंगल और राहु दोनों मिलकर अंगारक योग बनाते हैं और इसमें दोनों का एट्रीब्यूट है, इसमें दोनों का एट्रीब्यूट है, क्योंकि हाथी राहु है और लाल रंग मंगल है। जिसका ऑलरेडी ये डिस्टर्ब हो वो ये एक्टिविटी ना करे, उसके अंदर ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी वो बिगड़ जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, ये स्पेस को, फायर को, अर्थ को, तीनों एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। फ्लोर पे, वॉल पे, कहीं पे भी इसको लगाया जा सकता है। और इसका जो इसके साथ जो है एक सूर्य देव की प्रतिमा ईस्ट में लगाए, सूर्य देव की प्रतिमा पे भी हम आएंगे, वो ईस्ट में लगाए, और एक विलेज की सिंधी वेस्ट में लगाए, ताकि इसकी इसको बैलेंस करने में हेल्प हो और कनेक्टिविटी प्लस सोशल कनेक्टिविटी गेन्स हमारे मिल पाए। ठीक है,